Hi guys, this is Guy from Pakistan again with GTA 5 mods और खेल रहे हैं दोबारा आज स्टेयरिंग व्हील सेटअप Logitech G29 के साथ और माइकल की गाड़ी है जो मैंने चेंज कर दी है ऑडी A5 या A4 है, मुझे सही आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने दो गाड़ियाँ गेम में डाली हैं। एक को तो मैंने माइकल की गाड़ी को रिप्लेस किया है और दूसरी जो है वो मैंने ऐसी पेडेस्ट्रियन के लिए ऐड की है। तो गाड़ी जो है वो ऑडी है, इसको ड्राइव करेंगे। अभी मैंने सारा जो है रियलिस्टिक सेटअप खोल दिया है क्योंकि उसमें इंजन सेटअप भी खोल दिया कि गाड़ी जो है अगर हम ज़्यादा गियर ऊपर नीचे शिफ्ट करें तो वो जो है इंजन भी हीट अप हो जाए और जो है गाड़ी बंद हो जाए। तो मैंने इतना रियलिस्टिक मॉड भी किया है, तो अभी इसको भी चेक करेंगे। थोड़ा सा जो है गियर मार के जैसे दूसरा तीसरा मार दिया, फिर अचानक से रिवर्स कर दिया स्पीड में ही, तो उससे देखते हैं कि इंजन पर लोड कैसा आता है। इसको ड्राइव करेंगे आप न्यूट्रल में है अभी। Hey, gorgeous, jump in. आजा तू भी बैठ जा, इसको भी लेके चलते हैं ड्राइविंग पे। एयरपोर्ट के साथ जाऊंगा ताकि वहाँ पर जो है पूरा ट्रैक लंबा होता है तो आराम से जो है वो शिफ्टिंग वगैरह की चीज़ें भी चेक हो जाएंगी और इंजन पे लोड आ रहा है क्या नहीं ये सब भी चेक हो जाएगा। Let's find some place nice and quiet, honey. मार्कर लगा लूं पहले किधर है। ओके, हैंगर भी है मेरे साथ में। ऑडी का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है इसमें। एक्सक्यूज मी, गला ख़राब है थोड़ा सा यार आज मेरा। ओके, तो एयरपोर्ट की तरफ मूव करना। फर्स्ट पर्सन में इसलिए चला रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें हीटिंग का गेज आ रहा है जिससे इंजन सेटअप जो है वो हीटअप हो जाता है, क्योंकि मैंने ये मॉड इंस्टॉल किया है, ये अलग से करना पड़ता है। तो इसमें यह है कि गाड़ी का जब आप ऑटोमेटिक में तो नहीं होता क्योंकि ऑटोमेटिक में तो गियर अपनी मर्ज़ी से उठाती है, जैसे मैनुअल वगैरह है। तो अभी मैं मैनुअल करूँगा, उसमें गियर्स जो है मैं फ्रीक्वेंटली चेंज करूँगा स्पीड के हिसाब से, कभी दूसरा कभी तीसरा, और फिर उसके बाद पहले के साथ डायरेक्ट रिवर्स डाल दिया स्पीड में, तो देखते हैं कि इंजन में कैसे लोड आता है। क्योंकि वैसे तो असल में तो आता ही है, इंजन पर लोड आता है, हीटअप करता है तो गाड़ी बंद हो जाती है, धुआं भी निकलने लगता है। इसमें देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। फर्स्ट पर्सन में इसलिए चाह रहा हूँ कि इसका ऑडी का फील अच्छा है, इसका डैशबोर्ड के साथ और डिस्टेंस जो है रोड का वो इजी नज़र आता है, तो मज़ा आता है इसको फर्स्ट पर्सन में चलाने में। एयरपोर्ट जब पहुँचेंगे तो ट्रैक लंबा होगा तो मैंने टेस्ट करनी है, तो उसमें तो थर्ड पर्सन पे ही चलाऊँगा। तब तक इन्जॉय करो वीडियो को और थैंक यू गाइज, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स में भी बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये वाली गाड़ी और ये ऑफ रोडिंग वगैरह, तो वो जो है वो मैं आने वाली वीडियोस में मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट जो भी है कमेंट्स वगैरह में बता दिया करो, तो आगे वाली वीडियोस को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें इंशाल्लाह सबकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। और सब्सक्राइब भी करो यार, हम 1K होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तेज़ी से पहुँच रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी 1K हो जाएंगे बाय द नेक्स्ट वीक और या 2 वीक्स में इंशाल्लाह। तो उसके बाद 1K सेलिब्रेशन वीडियो के साथ सेटअप टूर की वीडियो भी आएगी और बहुत सारी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस हैं। ओके, तो हम एयरपोर्ट की साइड पे पहुंच गए। ये पीछे की ट्रैक की वजह से हिस्सा है ना, यहाँ से एंट्रेंस है। अबे ये खोलेगा नहीं क्या? अगर मैं तोड़ता हुआ घुस जाऊँगा तो फिर पुलिस लग जाएगी पीछे, फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा साइड से जाते हैं, साइड से जगह है ना। अब ये पूरा ट्रैक आ गया ना यहाँ पे, यहाँ पे आराम से गाड़ी टेस्ट करो, कहीं से टक्कर भी नहीं होगी, ठुकेगी नहीं कहीं जाके। और वैसे भी अभी रनवे पे तो नहीं हूँ मैं, जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं टेक ऑफ करने के लिए वहाँ पर हूँ। ये
एयरक्राफ्ट लाइन अप हुए हैं सारे एयरक्राफ्ट भी, मैं अभी जो है वो मॉड पी आई है के सर्विसेज के, बोइंग 77 बोइंग 777 पी आई है के, मैं वो भी अपडेट करूँगा। उतर भाई, गाड़ी टेस्ट करनी है। ओके okay, अब मैंने मैनुअल कर दिया गाड़ी। अब टेस्ट करते हैं कि इंजन कैसा लोड लेता है या नहीं। गियर वगैरह मैं गलत मारूंगा, क्लच हाफ क्लच से उठाऊंगा गाड़ी, देखता हूँ इंजन पे कैसा लोड आता है, क्योंकि मॉड में तो लिखा हुआ था कि इंजन जो है वो लोड अप हीट अप करेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट करता रहेगा वो, मैं वही देखना चाह रहा हूँ। अगर सक्सेसफुल होता तो ठीक है, ये मॉड मतलब बेस्ट है, नहीं होता तो फिर डिलीट करूँगा इस मॉड को, वही टेस्ट कर रहा हूँ मैं अभी। टाइम तो लेगा जाहिर से बात है। चलो यहाँ सीधा आके ना यहाँ टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने फौरन तीसरा लगा दिया स्पीड में, अब न्यूट्रल कर दी, अब रिवर्स कर दिया, अब देखते हैं भाई। ओ गाड़ी बंद हो गई, नहीं नहीं मसला कर रही है, अभी स्टार्ट किया उसने। ओ फाइनली, चलो भाई मॉड काम कर गया। यस, आग लग गई इंजन में, मैंने गियर्स इतने फ्रीक्वेंटली चेक किया ना। चलो भाई मॉड काम कर रहा है, बेस्ट है, मैं समझा क्रैश व्रैश ना हो जाएगी। चलो बेस्ट है, वर्किंग मॉड है, बेहतरीन मॉड है, रियलिस्टिक ड्राइविंग का मॉड है ये, तो इसमें गाड़ी का जो रियलिस्टिक सिस्टम है सारा उसी तरह सही है। दोबारा चेक कर लेते हैं स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। चलो परफेक्ट, 100% वर्किंग मॉड है। क्लासिक 100% वर्किंग। कम ऑन, अब नहीं होगी स्टार्ट, आग लग गई ना गाड़ी को। चलो अभी इंजन लेकिन हीट अप है, लेकिन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। चलो दैट मीन्स मॉड इज़ वर्किंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो जल्दी यार, 1000 हो जाएं, जल्दी हो जाएं बन के। ओके द मॉड इज़ वर्किंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।